Assalamualaikum क्लास में है आप सब हैरफियत से होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ माय नेम इज हुसैन रजा एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ द कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 70 रिलेटेड टू योर इंडेक्स नंबर तो हम इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं क्योंकि अभी हमने वो क्वेश्चन नहीं किया इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की रिक्वायरमेंट है फाइंड द चेंज इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस डेटा गिवन बिलो द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर इन रुपीस पर 40 केजी ठीक है यूज अरिथमेटिक मीन टू एवरेज ऑफ द रिलेटिव आपको जो है केजी में दिया गया है और डेटा में है हमारे पास ईयर्स 2005 6 7 8 वीट राइस पोटैटोज एंड ऑनियन की आपको जो है प्राइजेस दी गई हैं डिफरेंट ईयर्स में और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चेन इंडेक्स कर रहे हैं तो एज यू नो कि चेन इंडेक्स के लिए आपको सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स फाइंड करना पड़ते हैं और लिंक रिलेटिव के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे उसने बोला है कि अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज लेके फिर चेन इंडेक्स जो है वो आपने फाइंड करने हैं तो बहुत आसान सा मामला है फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में उसकी रिक्वायरमेंट है यूज अरिथमेटिक मीन टू एवरेज ऑफ अ रिलेटिव ठीक है अब इसी तरह से हमारे पास ईयर्स आएंगे ईयर्स हमारे पास क्या है जी 2005 2006 7 और 2008 वो हमने लिख लिए इसी के अलावा हाँ हमारे पास वीट है उसके लिए बेसिकली हम लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं तो आप लिंक रिलेटिव को ऊपर लिख दें ताकि आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास वीट के लिए है इसके अलावा राइस के लिए है इसके अलावा पोटैटो के लिए है और इसके अलावा ओनियन के लिए ठीक है ये आपने निकाला फिर आगे अरिथमेटिक मीन को अगर एवरेज और वहां से हम निकालेंगे चेन इंडेक्स ठीक हो गया अब देखेंगे हमारे पास हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास 2005 में अगर हमें निकालना है तो 2005 में हमारे पास जो वीट की थी वो 58/58 × 100 करेंगे इसी तरह से 60/58 × 100 और फिर हमारे पास है जी 75/60 × 100 और फिर 2008 में हमारे पास है 90/75 × 100 इसका जो फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव का जरा मैं आपको बता दूँ आपको पहले भी पता है लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ लिंक रिलेटिव का जो फॉर्मूला है हमारे पास हम क्या किस तरह से करते थे हमारे पास जो है वो करंट ईयर प्राइस में से आप प्रीवियस प्राइस को लेस करते थे और मल्टीप्लाई 100 करते थे तो हमारे पास जो रेंज आएगा इस तरह से फाइंड होते थे अब यहाँ पे देखिएगा करंट ईयर प्राइस है 58 तो आपके पास ये 58 यानी कि अज्यूम करना है कि हमारे पास 2005 की एज अ बेस है आप 60/2006 में प्राइस करंट ईयर है लेकिन प्रीवियस ईयर की प्राइस है 58 तो उस तरह से आप कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 118/100 और फिर 120/118/100 और फिर 130/118/100 120 हमारे पास था और 120 के बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस थी 118 ठीक है अब 130 और यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस ईयर प्राइस थी वो है 120 ठीक है अब लास्ट पे हमारे पास देखिए कि हमारे पास है लास्ट पे 150 लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस थी 130/100 हम जो कि नहीं करके फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है हमारे पास की जो है वो करंट ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर को जो यहाँ पे शो कर रहा है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसीडिंग ईयर है ठीक है
यानी कि प्रीवियस ईयर के प्राइस हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अगर पोटैटो की हम बात करते हैं तो पोटैटो में हमारे पास पहले 27 और फिर 27 मल्टीप्लाई 100 फिर 30 ओवर 27 मल्टीप्लाई 100 और फिर हमारे पास 30 ओवर 30 क्योंकि प्रीडिफ्रेशन ये 30 ही थी और इसके अलावा हमारे पास 40 ओवर यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अगर हम ओनियन की बात करते हैं तो ओनियन में भी हमारे पास देखिए पहले 80 है तो 80 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 100। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद 90 ओवर 80 मल्टीप्लाई 100। फिर इसके अलावा 95 ओवर 90 प्रोसीडिंग की प्राइस हमारे पास यहाँ पे 90 है और मल्टीप्लाई आपको 100 करेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास अगर 100 है तो इसकी प्रोसीडिंग की प्राइस हमारे पास 95 है और मल्टीप्लाई आपको 100 करेंगे। तो क्लास इस तरह से हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे प्रोसीडिंग ईयर्स को यहाँ पे डिवाइड किया किस तरह से, मैंने आपको बताया कि लिंक डायरेक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद था कि ये बेसिकली शो कर रहा है आपकी करंट ईयर प्राइस को, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस चीज की तो ये प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस होती है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब है कि पिछला साल, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर। तो इसी तरह से आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने यहाँ पे लिंक डायरेक्टर्स के लिए सारी वर्किंग कर ली है, अब इनकी कैलकुलेशन को देखना है हमने। तो पहले में हमारे पास यहाँ पे 100 ही रहेगा, ठीक है। अब 60 ओवर 58 अब देखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, 60 ओवर 58 मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 103.4। इसी तरह से 75 ओवर 60 मल्टीप्लाई आप करेंगे 100 तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 125.0 यानी कि 125। इसी तरह से 90 ओवर 75 और मल्टीप्लाई आपने करना है 100 को हमारे पास आ रही है 120 तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिंक डायरेक्टर्स आ रही है। इसके अलावा अगर हम प्राइस की अगर बात करते हैं तो इसका पहले 100 ही रहेगा, ठीक है। अब आपने 120 को 180 जो है डिवाइड करना है मल्टीप्लाई आपने 100 करना है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास प्राइस के हवाले से जो वैल्यू है 120 / 180 तो 120 / 180 मल्टीप्लाई आपने 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू है 101.7 राउंड ऑफ हो गया वो 7 हो गया। अब हमारे पास है 130 2007 में डिवाइड करना है आपने प्रीसीडिंग ईयर पे और उसकी प्राइस पे और मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है जी 108.3। लास्ट वन 2008 में हम देखते हैं कि 150 डिवाइडेड बाय 130 और मल्टीप्लाई आपने 100 के साथ करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है जी 115.4, ठीक हो गया। अगर हम पोटैटो के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास देखिएगा कि लिंक डायरेक्टर का फॉर्मूला एज यू नो के करंट ईयर और उसको इसी तरह से प्रीसीडिंग ईयर प्राइस मल्टीप्लाई 100 तो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है। अगर 27 से कैंसिल होता है तो पहले यहाँ पे 100 ही रहेगा। अब फॉर्मूला के मुताबिक करंट ईयर प्राइस हमारे पास 2006 में पोटैटो के लिए 30 थी तो प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इसकी 27 हो जाएगी जो कि पिछले साल की थी तो 30 को आपने 27 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपने 100 करना है तो हमारे पास क्या आ रहा है 111.1, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2007 में तो हमारे पास जो वैल्यू थी 30 और 30 तो ये भी 100 ही आ रहा है 30 से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक हो गया। एंड लास्ट वन हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 30 और मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 133.3 राउंड ऑफ में एक पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखी। हाँ ओनियन की बात करते हैं तो सेम लाइक दैट हमारे पास ओनियन की जो लिंक रिलेटिव्स हैं उनकी वर्किंग मैंने आपके सामने की है। पहले तो 100 ही यहाँ पे रहेगा और इसके अलावा 90 को 80 पे हमें डिवाइड करना था जी और मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 112.5। अब इसके अलावा 2007 में हम देखते हैं 95 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई आपने किया 100 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 105.5। अब लास्ट में हमारे पास है 2008 में अगर ओनियन की देखते हैं लिंक रिलेटिव तो 100 को आपने 95 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई आपने 100 कर देना है
तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 105 यहां पे हमारे पास क्या आ रही है 3। अच्छा अगर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो अगर 5 हमारे पास आया तो आप यहां पीछे देखना है कि मेरी वैल्यू है तो इसको 6 कर देंगे। अब जी हमारे पास था जो रिक्वायरमेंट थी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि यूज अरिथमेटिक मीन टू एवरेज ऑफ द रिलेटिव्स, कि आपने अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज लेना है। तो आप किस तरह से अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे, पहले हम उसकी तरफ आते हैं जी। लिंकडिन का फॉर्मूला आपको आता है इसलिए मैं यहां से जो है इसको रेस कर रहा हूं, और अरिथमेटिक मीन की वर्किंग जो है वो हम करेंगे। एक बार मैं करके बताऊंगा बाकी आपको वर्किंग समझ में आ जाएगी। अरिथमेटिक मीन में अगर 2005 के लिए अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज ले रहे हैं 2005 में, तो हम अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपके पास पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल जो हमारे पास रिलेटिव्स आए हैं इनको प्लस कर लेंगे जी। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ इयर्स है 4। तो आपने क्या किया 1 2 3 4 तो 400 को अगर आप 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो उसका है वो 100 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2006 में अरिथमेटिक मीन की वर्किंग करेंगे तो किस तरह से हमारे पास आएगा उसको भी जरा देख लेते हैं कि हमारे पास पहले 103.4 डिफरेंट प्राइसेस आएंगे। हमारे पास वीट के लिए है, ये राइस के लिए है, लिंकडिन के लिए पोटैटो के लिए है, ये ओनियन के लिए, इसी तरह से नीचे भी हमारे पास ये प्राइस को सबको क्या करना है ऐड करना है। तो 101.7 प्लस 111.1 और प्लस 112.5, तो इनको आपने किस पे डिवाइड किया, इनको आपने 4 पे जो है वो डिवाइड करना है। तो अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं इनको एक दफा प्लस करते हैं 103.4 प्लस 101.7 प्लस 111.1 प्लस 112.5, तो हमारे पास 428.7 और आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है जी। देखते हैं तो हमारे पास जो आ रही है वैल्यू अरिथमेटिक मीन की यहाँ पे 107.18। इसी तरह से अगर हम इनको भी 2007 में भी हम देखेंगे तो हमारे पास देखिएगा कि अरिथमेटिक मीन 2007 के लिए किस तरह से हमारे पास 125, ठीक है, इसके अलावा प्लस करेंगे 108.3, ठीक है, इसके अलावा प्लस 100 प्लस 105.6 और डिवाइड कर देना है 4 में, सबको प्लस करना है डिवाइड कर देना 4 पे, तो इनको भी करके देखते हैं 125 प्लस 108.3 प्लस 100 प्लस 105.6। अब हमारे पास आ रहा है 438.9 पर, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे जी। हमने इसको 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 109.73। अब इसी तरह से 2008 में अगर हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन को इस तरह से निकालना है तो हम देखते हैं जी हमारे पास पहले 150 फिर 115.4 फिर हमारे पास है जी 133.3 और प्लस 105.3 और डिवाइडेड बाय आपने 4 करना है। तो देखते हैं जी 120 और प्लस 115.4 प्लस 133.3 प्लस 105.3, तो आपने इसको किया 474 आ गया। इसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 किया हमारे पास 108.5 है। इसके अलावा लास्ट है जी 118.50, ठीक हो गया। अब इसके लिए अपने चेन इंडिसेस किस तरह से फाइंड करना है, जरा चेन इंडिसेस के लिए देखिए कि पहले तो 100 की रहेगा, फिर आपने 100 को 107.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो आपके पास होगी वैल्यू 107.18। अब 107.18 को मल्टीप्लाई करना है 109.73 से और डिवाइड कर देना है 100 पे। इसी तरह से हमारे पास अगर इसको करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 117.61
और 11761 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 118.50 और डिवाइड करें 100 पे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 139.37। तो ये इसी तरह से हमने चेन इंडेक्स को भी फाइंड किया। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर तो चेन इंडेक्स कह रहा है या चेन इंडेक्स के लिए आपने करना है काम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कैलकुलेट द लिंक रिलेटिव। और लिंक रिलेटिव किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया भी था कि आप करंट ईयर प्राइस को प्रीसीडिंग प्राइस पे प्रीसीडिंग ईयर प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं। इस तरह से हमने ये वीट राइस पोटैटो ऑनियंस के डिफरेंट ईयर्स के लिए किया 2005 से 2008 तक लिंक रिलेटिव फाइंड किए। फिर आपने अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया। अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, एज यू नो कि आपने डिफरेंट ईयर्स की प्राइसेस को जो है वो जो लिंक रिलेटिव्स को ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स पे जितने भी हैं उस पर डिवाइड करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे 2005, 2006, 2007, 2008 के लिए यहाँ पे जो हमने फाइंड किए अरिथमेटिक मीन, ये 2005 के लिए था, ये 2006 के लिए, ये 7 के लिए, 8 के लिए, तो इसी तरह से हमने इनको अरिथमेटिक मीन को यहाँ पे लिखा और अरिथमेटिक मीन को फिर हमने एज एन जो एवरेज यहाँ पे लेके चेन इंडेक्सेस यहाँ पे फाइंड किए। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन की अच्छे तरीके से जो आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट पे हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार आप पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट चेंज इंडेक्सेस। ईयर्स आपको दिए गए हैं 2010, 2011, 2012 और 2013, 2014। वी ट्राइस कॉन की आपको यहाँ पे उसी तरह से लिया गया है और रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूटर चेन एनालिसिस आपने यहाँ पे करना है। और यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि किसको एज एन एवरेज करेंगे, तो हम अरिथमेटिक मीन को एज एन एवरेज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम पहले इसको रेज करते हैं जी और क्वेश्चन नंबर 17 को करें, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट कैसे है, चेन एनालिसिस को आपने फाइंड करना है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी हमने किया है। जी क्लास, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट चेन इंडेक्सेस, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्या कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट चेन इंडेक्सेस। सबसे पहले इस तरह से ईयर्स को लिखेंगे, इसी तरह से फीच प्राइस कौन और अर्थमेटिक मीन को एज एवरेज इस कॉलम को थोड़ा बना लेते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। और फिर चेन एडेसिस, ठीक हो गया। अब देखिए वीट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वीट की है वो 2010 में 28 थी और 28.05 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14 यानी कि इसी तरह से हमारे पास है। 2010 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं, एज यू नो कि चेन इंडेक्सेस है तो आपने जो है लिंक रिलेटिव जो है वो यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो 2010 में हमारे पास देखिएगा 28 थी और बेस ईयर मैंने नहीं बताया तो आप 2010 को ही अगर बेस रखेंगे। इसके अलावा 2011 में देखिएगा 34 और
और हमारे पास जो निकलेटिव है डेफिनेटली प्रीसीडिंग ईयर है तो 28 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसके अलावा 36 और इसको हम प्रीसीडिंग के प्राइस के साथ 34 के साथ डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अगर हम देखें 2013 में तो 13 में हमारे पास करंटली प्राइस थी 40 और प्रीसीडिंग के प्राइस हमारे पास कितनी थी वो हमारे पास थी 36 और मल्टीप्लाई 100 किया। इसी तरह से 2014 में हमारे पास 42 और प्रीसीडिंग के प्राइस थी 40 और मल्टीप्लाई आपने 100 करना है। ठीक है, प्राइस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 105 थोड़ा सा पीछे ताकि लकीर हमारी सही हो जाए और 105 मल्टीप्लाई 100। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 108 और 105 मल्टीप्लाई 100। अब इसी तरह से 2012 में अगर बात करते हैं तो हमारे पास आ रही है 106 और प्रीसीडिंग के प्राइस हमारे पास 108 और मल्टीप्लाई 100 और इसी के अलावा 110 और 106 मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में हमारे पास है जी 115 और प्रोसीडिंग के प्राइस का 0 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अगर कॉम के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारे पास 27 ओवर 27 मल्टीप्लाई 100, फिर 32 ओवर 27 मल्टीप्लाई 100, फिर 35 ओवर 32 मल्टीप्लाई 100 और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे 2013 में 13 में देखिएगा हमारे पास थी 2013 में 35 में हो गया। अब 38 और 35 मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में हमारे पास है 40 और 38 मल्टीप्लाई 100। तो किस तरह से हमने निकलेटिव निकलेटिव के लिए जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं मैं आपको ये फार्मूला ज़रा बता देता हूँ, फार्मूला जो मैंने अभी यूज़ किया ताकि आपको पहले भी आपको आता है लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फार्मूला आपको निकलेटिव का फिर से बता देता हूँ कि फार्मूला हमारे पास निकलेटिव का है फॉर्मूला हमारे पास क्या है फॉर्मूला है जी हमारे पास करंटली प्राइस को आप प्रोसीडिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास जो है वो निकलेटिव यहाँ से जो फाइंड होगा। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अच्छा देखिए पहले में 100 ही आएगा, आप दूसरे में देखते हैं 34 और 28 तो 34 और 28 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई आपने 100 किया तो हमारे पास जो आ रहा है 1 to 1.4 इधर 36 ओवर 34 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आया है 105.9 ठीक है। अब हमारे पास 40 ओवर 36 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास जो आ रहा है वो है 111.1 और लास्ट पे हमारे पास है जी 142 को हम डिवाइड करेंगे 40 पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 105। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी 100 रहेगा। अब 108 को डिवाइड करेंगे 105 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे तो हमारे पास क्या आया है 102.85 और इस तरह से 106 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास आ रहा है 98.1। अब इसी तरह से 110 डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 103.7। आप इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट है 103.7 तो राउंड ऑफ करके 8 कर सकते हैं आप इसको 115 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 104.5। इस तरह से कौन के हमारे से जब बात करते हैं तो पहले का 100 ही रहेगा। आप 32 को 27 पे जो है वो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 118.5 तो लिख देंगे 118.5 इसको राउंड ऑफ करके 109 हमारे पास है जी 118.5 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा 35 को 32 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 109.3 और 38 को 35 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 108.5 है तो इसको 6 कर दें और 40 ओवर
मल्टीप्लाई आप 100 कर देंगे तो हमारे पास 105.2 अब क्लास इस तरह से अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है तो अरिथमेटिक मीन में इन सबको प्लस करेंगे 1 2 3 प्लस करेंगे जैसे हमारे पास आ रहा है 2010 के लिए अगर हम अरिथमेटिक मीन की वर्किंग करते हैं तो पहले 100 फिर 100 फिर 100 और इसको नंबर ऑफ ईयर्स से तो हमारे पास यहां पे 100 भी आता है तो पहले हमारे पास 100 भी आ जाएगा ठीक है अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो इस तरह से 2011 में तो हमारे पास 1 to 1.4 प्लस करेंगे 102.85 102.3 कर लें 9 कर लें तो बस नहीं है 118.5 तो इस तरह से आप 2010 से 11 12 और 13 के लिए करेंगे तो इस तरह से अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी आपको पहले भी आता है तो 114.27 104.47 और फिर 107.83 और इसके अलावा 104.98 अगर हम चेन बेसिस की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि चेन बेसिस में पहले 100 ही रहेगा दूसरे नंबर पे आप 100 को आपको 114.27 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 करेंगे तो हमारे पास 114.27 रहेगा अब 114.27 को मल्टीप्लाई किया 104.47 से और डिवाइड आपने 100 करना है तो हमारे पास अगर देखते हैं क्या आता है कि हमारे पास 114.27 मल्टीप्लाई 104.47 पे और डिवाइड किया आपने 100 पे तो हमारे पास 119.38 तो 119.38 अब 119.38 मल्टीप्लाई 107.83 और डिवाइड आपने 100 करना है हमारे पास तो वैल्यू है 128.73 अब इसी तरह से 128.73 को मल्टीप्लाई 104.93 और डिवाइड आपने 100 पे करना है हमारे पास तो वैल्यू आ रही है 13.08 जी क्लास इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया क्वेश्चन नंबर 7 में उसने चेन रिलेशंस कहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फाइंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मीन रिलेटिव निकालने हैं और मीन रिलेटिव का फार्मूला हमारे पास नीचे लिखा हुआ है कि करंट ईयर प्राइस को प्रीसीडिंग ईयर प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई आपने 100 करना है फिर आपने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका कि सारे ही जो है उनको प्लस करेंगे जो मीन रिलेटिव आएंगे उनको उतने ही नंबर ऑफ ईयर जितने भी होंगे उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसी तरह से 2010 के लिए निकला 2011 के लिए इसलिए सोन मैंने आपको निकाल के दिखाई चेन एनालिसिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो चेन एनालिसिस भी आपको पहले निकालना आता है तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आई होगी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 19 और 20 को भी डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा दुआओं में याद रखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपनी राय कमेंट करें ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।